प्रयागराज के कांग्रेसियों ने शुक्रवार को सिविल लाइन के धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कांग्रेसी ईडी द्वारा सोनिया गांधी से पूछताछ से नाराज है। कहते हैं कि मोदी सरकार जानबूझकर हमारे नेता को परेशान करने का काम कर रही, लेकिन हम सब हटने वाले नहीं हैं। आजम के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, आमजन के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा लड़ते रहेंगे और उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। आपको बता दें कि शहर अध्यक्ष प्रदीप मिश्र अंशुमन के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। शहर अध्यक्ष प्रदीप मिश्र ने संबोधित करते हुए कहा कि हम कांग्रेसी ईडी के पूछताछ से डरने वाले और पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। ईडी भाजपा सरकार के इशारों पर कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दबाव में लाने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम कांग्रेसी सरकार की गलत नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के विरोध में लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। यही कारण है कि सत्ता में बैठे लोग जांच एजेंसियों का सहारा ले रहे हैं। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद असलम, विनय पांडे, अजेंद्र गौड़, विशाल सोनकर, राम मनोहर सरोज, रचना पांडे, शीला देवी समेत कांग्रेसी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।